सो हे गाइस, क्या बोलो, मतलब एकदम से मतलब इतना वो हो रहा है ना, ये देखो क्या हमने क्या खरीद लिया है। तो दिखा दो, कैमरामैन दिखा दो, जल्दी दिखा दो। तो आ रहा हूँ ना फ्रेम में, अच्छे से आ रहा हूँ। तो वैसे देख सकते हो ये दोनों मेरी बाइक है, और अभी ये मतलब फेस्टिव सीजन है तो थोड़ा डिस्काउंट मिल गया तो हमने ये परचेस कर लिया। तो डिसीजन 250 ड्यू। इस बाइक का अभी तक कोई डिटेल रिव्यू नहीं आया है। बाय द वे ये एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ है गाइस, तो इससे क्या होता है गाड़ी पे जो स्क्रैच मतलब स्क्रैच वगैरह इतनी आसानी से नहीं आता। इससे अगर वो क्लीन करोगे तो देरी नहीं करते। इसे भी बहुत दिनों से कोल्ड स्टार्ट नहीं किया, और ये पहले हम निकालते हैं घर से बाहर। घर से बाहर निकलने के बाद थोड़ा वहाँ पे छाव है, वहाँ पे बाइक को ले जाते हैं और बाइक का पूरा एक अच्छा सा डिटेल रिव्यू और मैंने क्यों खरीदा, क्या ऑल एवरीथिंग स्पेक्स वगैरह आप लोगों को जल्दी बताते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। 250 का कंटेंट अभी आसाम में तो ये फर्स्ट 250 है मेरे हिसाब से, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ये फर्स्ट 250 है, तो ऐसा कुछ है। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। ओके भाई, थोड़ा पीछे जा। तो बाय द वे ये होंडा सेंटर की है, होंडा सेंटर की भी मेरा पॉकेट। बाय द वे गाइस, मैं तो आपको भूल ही गया ये इसका की दिखाने के लिए। ये KTM की तरफ से नया टाइप का की है, मतलब ये प्रोटेक्टेड रहता है यहाँ से, यहाँ पे भी आप ये लगा सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ऐसा है कुछ। बाकी चलो बाइक को निकालते हैं और मतलब आप लोगों को दिखाते हैं बस। तो ये देखो खोल लिया ना मैंने, ये पहले अंदर रख लूँ मैं। तो गाइस और भगवान जी हमारे यहाँ पे शिव मंदिर, और ये हमारा नया बाइक। तो पहले चलो उस बाइक को कोल स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे। चलो तो चलो गाइस, इसे भी इस हफ्ते से स्टार्ट नहीं किया, तो देखते हैं एक बार में स्टार्ट होता है कि नहीं। पहले न्यूट्रल कर लिया, तेल तो है इसमें, बट वे माइक्रो फाइबर क्लॉथ है ना गाइस, तो इससे स्क्रैच वगैरह नहीं आता, काफ़ी आसानी से साफ हो जाता है। तो इधर आओ, एक बात नहीं थी। तो क्या ना गाइस, बाइक को जब भी कोल्ड स्टार्ट करो ना, बाइक हमेशा इस पोजीशन में रखो या फिर फुल स्टैंड में रखो बाइक को। अगर हाफ स्टैंड में कोल्ड स्टार्ट करोगे तो जो फ्यूल है तो वो इंजन तक पूरा अच्छे से मतलब इंजन के सभी पार्ट्स में अच्छे से नहीं जा सकता, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो ऐसे बाइक को सीधा करो या फिर फुल स्टैंड करो, उसके बाद उसे कोल्ड स्टार्ट करो 2 मिनट या 3 मिनट के लिए। शुरू करते हैं, मैं फ्रेम में आ रहा हूँ अच्छे से। मंदिर दिखा दिया, ओके ओके, सब लोग एक बार प्रे कर लो। और तुम्हारा उंगली आ जाएगा भाई, उंगली को पीछे ले बेचो, कैमरा को ओपन रखो एकदम से। ये क्या है? तो गाइज दिस इज ड्यूक 250, हमने 3 दिन पहले परचेस की है, और उसके बाद बाकी वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगा। तो कैमरा मैन जल्दी मेरे को फोकस करो। तो गाइज ये है हमारा ब्रांड न्यू बाइक, ये ड्यूक 250 है, जो 390 के लुक्स में आजकल आता है। 390 और 250 में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, मतलब 390 से इवन ये दिखने में अच्छी है, क्योंकि इसका वो जो चक्के है ना वो ब्लैक कलर में है, और 390 के वो ऑरेंज कलर में है, जो मुझे एकदम पसंद नहीं। बॉडी में ऑरेंज कलर है वो मतलब एक्सेप्टेबल है। तो ऐसा ही है कुछ। तो ओके, बाइक को पीछे से दिखा देते हैं। तो पीछे से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो पीछे की तरफ आपको मिलता है ये 150/60 ZR 17 inches। हाँ, 150 इस तरफ से होता है, 60 ये अंदर है, बाकी की तरफ 17 इंच का रिम है। ये जो रिम है आप लोग देख रहे हो, अच्छा रुको वाइड एंगल कर लेता हूँ, नहीं हो रहा है, क्या करूँ। चलो ये जो रिम है ना ये 17 inches का है।
तो पीछे का अगर डिस्क ब्रेक के बारे में बोला जाए तो ये भी 240 mm का है, पहले 230 mm का आता था, अब ये 240 mm का है। और ये देखो, इसके अंदर से ये जो होल दिया है ना, ये इसलिए दिया है ताकि हीट रेजिस्टेंस थोड़ा और इम्प्रूव हो सके, डिस्क जल्दी थोड़ा ठंडा हो, तो इस वजह से दिया है। तो उसके बाद ये देखो, ये मुझे कहाँ दिखता था जनता पता है गाइस, रुको, ये ना बचपन में हम लोग हाउ इट्स मेड देखते थे, वहाँ पे सुपर कार्स दिखाते थे, तो सुपर कार्स में ना वो मतलब सस्पेंशन थोड़ा बाहर की तरफ होता है। तो इस बाइक में भी पहली बार इंडिया में, इवन Z900 में भी ऐसा नहीं है, Z900 में भी मिडिल से आता है, लेकिन इस बाइक में इस तरफ से आता है मोनोसॉक सस्पेंशन। और ये बहुत बड़ा है साइज में, एक ऑलमोस्ट एक एल्टो के सस्पेंशन के बराबर मोटा है, और ये एडजस्टेबल है साइज से, आगे की तरफ नहीं है सबको पता है, लेकिन पीछे की तरफ है। ये फ्रेम जो है बाइक का, पहले आप लोगों को अगर पुराना ड्यूक आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को पता होगा ये फ्रेम अलग था, और ये कम्प्लीटली न्यू फ्रेम है। तो है नहीं देखे मेरा चिंता नंगे बाबा। और ये LC4C न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बाइक, मतलब LC4C न्यू टेक्नोलॉजी के साथ नया इंजन है 249cc का, जो 31 BHP प्रोड्यूस करता है और 25 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये पीछे की तरफ देख सकते हो, ये पूरा मतलब एल्यूमिनियम का बाइक है, तो लाइट वेट तो है पहले से 4 या 5 kg मतलब कट गया है। और पीछे की लाइट देखो, पीछे का लाइट भी स्मोक्ड है। ये LED इंडिकेटर्स, KTM के यूनिवर्सल, ये ऐसा लुक है। बाकी तेल टीडी वगैरह तो हमें करना ही है। तो आते हैं हम लोग, ये की है, की को यहाँ पे घुसा कर रखते हैं, गुम हो जाएगा वरना, राम राम। तो अगर आगे की तरफ हम आए तो आगे की तरफ आपको ये देखने को मिलता है, ये हमारा बिग 790 लुक्स के साथ लाइट। इस बाइक का मतलब जितने लोगों ने देखा है अभी तक, मतलब उतने लोगों से मतलब उतने इतना अप्रिसिएशन मिला है मैं आपको बता नहीं सकता। तो एक सिंगल लोग ऐसा नहीं है जो इसे मतलब सफरी कहे और कुछ कहे, तो उन सबको मैं वैसे भी ध्यान नहीं देता। आगे की तरफ देखो, 320 mm का डिस्क ब्रेक है, समझते हो, 320 mm होता है, मतलब Z900 से भी बड़ा है, Z900 में 300 mm का आता है और ये 320 mm का है। और ये आगे की तरफ आपको ये 110 सेक्शन का टायर मिलता है। चलो ये सब तो Z900 से छोटा है, पता है। इस तरफ ये है हमारा शॉकर, तो ये WP एपेक्स की तरफ से आता है, और ये दिस इज 43 mm। आप लोगों को बोल दूँ, Z900 में 41 mm का आता है और ये 43 mm का आता है 250 में। तो देखा KTM कितना कुछ दे रहा है, Z900 से बड़ा डिस्क, Z900 से बड़ा सस्पेंशन, इवन मतलब KTM प्रीमियम कम करता है। लोग इसे अब सफरियों के हाथ में आ गया बाइक, इसलिए लोग इसे सफरी सफरी बोलते हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल राइडर है गाइस, और हम बाइक को काफ़ी मेंटेन करके चलाते हैं और रूल रेगुलेशन फॉलो करके चलाते हैं। बैन पाइप देखो कितना खतरनाक लग रहा है, अगर इसमें मैं चार पास कलर करके इसे रेनबो कलर का बना दूँ तो ऐसा लगेगा कि टाइटेनियम एग्जॉस्ट है। बाय द वे, ये दिस इज न्यू रेडिएटर ग्रिल, सॉरी रेडिएटर गार्ड, ये आपका मतलब ये कर्व्ड है, पहला वाला स्ट्रेट था, ये कर्व्ड है, जो इससे क्या होता है कि थोड़ा हीट रेजिस्टेंस इम्प्रूव होता है। और बाइक कुछ है ऐसा, चलो इतना ही था बाइक के बारे में। 31 BHP है, 25 Nm टॉर्क है, सस्पेंशन वगैरह बाकी आप सबको ये सब तो मिल ही जाएगा ना। उसमें मीटर के बारे में मुझे अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बस एक बार मीटर आपको दिखा देता हूँ ऑन करके, उसके बाद बाइक का एक दो सिनेमेटिक दिखाएंगे, और बाद में वीडियोस तो आता ही रहेगा तो वहाँ पे आप लोग देख लेना। तो चलो मीटर को शुरू करते हैं, मैंने एक्सपोजर थोड़ा कम कर लिया है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, न्यूट्रल में है। तो यहाँ से ये होता है इग्निशन स्टार्ट, बट अभी मैं आप लोगों को रेव करके नहीं दिखा सकता, एकदम न्यू बाइक है। सिर्फ अगर आप देख सको तो ये 79 किलोमीटर चला है ओनली, तो इतने कम चला बाइक में मैं रेव नहीं कर सकता, बाइक को बहुत प्रॉब्लम होता है। फ्यूल इंजन टेम्परेचर भी लो है, तो कोल्ड स्टार्ट अभी तक नहीं किया बाइक को, तो ऐसा ही है कुछ, और ऐसा ही है। बाकी ये सब ये स्विच वगैरह है, इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ये किल स्विच ऐसा दिखाया कि प्रेस्ड है किल स्विच, ओके
तो बाद में आप लोगों को दिखाएंगे बाइक को। बाय द वे मिरर्स दिखने में अच्छे है, डोमिनर वाले मिरर्स दे दिए, लेकिन ये मतलब उतना एडजस्टेबल नहीं है कि आप लोगों को बहुत कुछ दिखा पाए। ये मैं मतलब पीछे की तरफ राइट साइड से कुछ नहीं देख पाता, ये घूमता ही नहीं है, बस थोड़ा ऐसा ऐसा होता है, तो ये प्रॉब्लम है बहुत। तो मुझे KTM वालों से बात करनी पड़ेगी शोरूम में जाके, वो लोग कुछ कर सकता है तो बाकी एक लास्ट में सिनेमेटिक दिखाएंगे और वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। ओके भाई, गाइस मेरे में उतना मतलब बहुत नहीं है ना, तो मैं